फाइनली गाइस, आपको अपने यूट्यूब चैनल मनदीप गेमिंग 99 में आपका स्वागत है। तो चलो आपको दिखाने वाला वो शार्क मछली का चीट कोड। तो गाइस आपके लिए लेकर के आया हूँ शार्क मछली का चीट कोड। आप देख सकते हैं हमारे द्वार पर कई सारे बाइक भी खड़ी हुई है, इतने सारे बाइक भी खड़ी हुई है। चलो हम कोई भी बाइक ले चल के चलते हैं समुद्र के किनारे, जहाँ पे आपको बता सकता हूँ शार्क मछली का चीट कोड, और आपको बता दूंगा शार्क मछली का चीट कोड क्या है, उसको किस तरीके से मंगा सकते हो, किस चीट कोड से मंगा सकते हो। तो चलो गाइस हम कोई भी एक गाड़ी ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ। तो हम इससे इसके वजह से चलेंगे समुद्र के किनारे, जहाँ पे आपको बता सकता हूँ शार्क मछली का चीट कोड, और आपको बता सकता हूँ काफ़ी सारे न्यू बाइक का भी चीट कोड। देख सकते हैं इतनी बाइक हमारे द्वार पर खड़ी हुई है, इसका चीट कोड तो आप लोग को मालूम ही होगा, और अब बस आपको बताना है शार्क मछली का चीट कोड आपका। उसका भी चीट कोड आप लोगों को बता दूंगा। चीट कोड जानने के बाद मछली को आराम से ला सकते हो, और उसको दाना भी खिला सकते हो, और आसानी से उसको घर में भी ला सकते हो। पर गाइस यही बात है, वो बिना पानी के जीते नहीं। तो चलो आपको दिखाता हूँ मछलियाँ कहाँ पर है, इसी के मदद से हम चलते हैं, इसी बाइक की मदद से चलते हैं, और आपको दिखाता हूँ फिर फटाफट से कहाँ पे है वो शार्क मछली। तो गाइस मैं जा रहा हूँ समुद्र के किनारे, जहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा मछली, शार्क मछली आपको देखने को मिल जाएगी, और न्यू बाइक भी देखने को मिल जाती है। चलो आपको फिर चलता हूँ समुद्र के किनारे, जहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगी शार्क मछली का चीट कोड। गाइस ये बाइक तो कम जम रही है, चलो दूसरी ही बाइक ले लेता हूँ, क्योंकि ये बाइक अच्छी नहीं लग रही है। अब वही दूसरी बाइक ले करके चलता हूँ समुद्र के किनारे। चलो गाइस फिर चल के आपको फटाफट से बताता हूँ शार्क मछली का चीट कोड, और आप शार्क मछली का चीट कोड जानने के बाद आसानी से उसको ले सकते हैं, ला भी सकते हैं, और शार्क मछली को घर भी ला सकते हो, उसको दाना भी खिला सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से मैं ये वाली बाइक लेके चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि शार्क मछली का चीट कोड क्या है, और उसको ला कैसे सकते हो, उसको दाना कैसे खिला सकते हो। तो चलो गाइस फटाफट से हम चलते हैं समुद्र के किनारे, जहाँ पे अभी आपको शार्क मछली का चीट कोड देखने को मिल जाता है, आसानी से शार्क मछली को ला भी सकते हो। तो फाइनली गाइस बस फटाफट से हम चले ही रहे हैं समुद्र के किनारे, जहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा शार्क मछली का चीट कोड। तो बस गाइस फटाफट से हम आ चुके हैं समुद्र के किनारे, ही जाने ही वाले हैं, जहाँ पे अभी आपको देखने को मिलने वाला है शार्क मछली का चीट कोड। ओ यार गाइस ये मैं क्या हार गया। चलो गाइस पे चलता हूँ, कार के अंदर ही बैठ गया क्या मैं हल्के। चलो गाइस पे चलता हूँ फटाफट से अपने बाइक को दोबारा ले लेता हूँ। तो गाइस मैंने भी बाइक को ले चुका है, और चलो फिर चलता हूँ फटाफट से समुद्र के किनारे। गाइस हमारे समुद्र को यही वाला रास्ता जाता है, जहाँ पे अभी आपको समुद्र भी देखने को मिल जाएगा, और शार्क मछली भी देखने को मिल जाएगी। तो बस गाइस मैं फटाफट से पहुंच ही चुका हूँ समुद्र के किनारे, जहाँ पे आपको बस देखने ही वाला है, देखने को मिलने ही वाला है शार्क मछली का चीट कोड। गाइस समुद्र को यही वाला रास्ता जाता है, आप खुद ही देख लीजिए, यही वाला रास्ता जाता है समुद्र को। ओ गाइस तो बच गया। तो बस गाइस मैं समुद्र में जाने ही वाला हूँ, आपको चलता हूँ फटाफट से वहां पर बताता हूँ चीट कोड मछली का। गाइस बहुत बड़ी मछली है, क्योंकि काट भी लेती है ना। तो चलो फटाफट से चलता हूँ, ये वाला रास्ता है, ये वाला चलवा गई, इसके आगे एक रास्ता है गाइस, उस रास्ते से हम जाएंगे समुद्र में। ये गाइस ये वाला रास्ता है जो आपको आपके समुद्र में जा रहा है रास्ता, ये वाला। तो चलो इसी रास्ते से हम चलते हैं समुद्र के पास। तो भाई गाइस बस फटाफट से पहुंचने ही वाले हैं समुद्र में, जहाँ पे आपको बताने भी वाले हैं कि शार्क मछली का चीट कोड क्या है। गाइस देख सकते हैं ये वाला रास्ता जाता है, अब गाइस आप लोग पहुंच सके हैं समुद्र के लिए।
तो गाइस आपको यहाँ से समुद्र दिख रहा होगा ना, तो गाइस देख सकते हैं हम रास्ते के सहारे से आए हैं समुद्र के किनारे। अब चलो चलता हूँ फटाफट से आपको समुद्र में और बताता हूँ चीट कोड मछली का, शार्क मछली का चीट कोड। ओ गाइस मेरी चोट लग गई दोबारा। चलो गाइस थोड़ा मोड़ा चोट तो लगती रहती है, इतना सारा खून बह गया यार। गाइस मेरी बाइक कहाँ है, ये रही मेरी बाइक और फटाफट से मैंने बाइक को भी ले चुका है। अब चलो फटाफट से हम चलते हैं समुद्र की तरफ, जहां पे अभी आपको देखने को मिल जाएगी शार्क मछली का चीट कोड। गाइस कितना अच्छा घर है ना, देख सकते हैं ये कितना अच्छा घर है गाइस, इसके लिए बना है। जैसे कि अभी बारिश वारिश हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता है तो इसमें लुका सकता है, इसमें हल जाने के बाद आप भीगोगे नहीं। और इधर भी एक घर है, इसमें भी आप जा सकते हो। और गाइस चलो आपको फिर दिखाता हूँ, यहाँ पर काफी सारे में इस्तेमाल है गाइस। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लेटने वाला ये है, ये आपको लेटने वाला है। और इधर तो शराब की बाटल पड़ी है, शराब तो नहीं लग रही है। चलो गाइस कोल्ड ड्रिंक का बाटल है, ये शराब का नहीं कोल्ड ड्रिंक का। देख रहे होंगे दो बाटल इधर है, एक बाटल सामने एक बाटल पीछे है। तो चलो गाइस आपको हम फिर दिखाता हूँ, हेलमेट लगा लेता हूँ पहले नंबर, तो चोट भी लग सकती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये लेटने वाला, जैसे कि स्नान करने के बाद आप लेट सकते हैं, इसमें सो भी सकते हो। तो गाइस आइए देखते हैं इसमें हमारी बाइक चलती है या नहीं। ओ यार गाइस बाइक तो नहीं चल रही है हमारी। ओ बाइक गाइस तो चल चुकी है, इसको हम नगा भी चुके हैं और बाइक हमारे इसमें चढ़ गई थी। गाइस देख सकते हैं बाइक को थोड़ा किधर ला चुके हैं। और गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये वाला फुटबॉल, चलो गाइस थोड़ा सा फुटबॉल को ही खेल लेता हूँ। तो गाइस इसको पा चुका हूँ, चलो थोड़ा सा फुटबॉल को पानी में मार देता हूँ। ओ डन, ओ गाइस मेरा हेलमेट तो पानी में ही गिर गया यार, गाइस तो नहीं जा रहा है, क्या बात है, ये फुटबॉल तो नहीं घुसक रहा है कहीं से। चलो देखते हैं जा क्यों नहीं रहा है दूर। ये गाइस फुटबॉल खेलने वाला नहीं है मैं लगता है, चलो इसको मार देता हूँ पानी में। ये गाइस जा रहा है, देख सकते हैं पानी में जा रहा है ये। ओ फिर से खून बह गया, फिर से चोट लग गई मेरे। चलो गाइस इसको पानी में मार देता हूँ फटाफट से, उसके बाद आपको बताता हूँ शार्क मछली का चीट कोड। कैसे पानी में क्यों नहीं जा रहा है, गाइस जा तो रहा है, चलो देखता हूँ पानी में जा तो रहा है ये। बस गाइस गिरने ही वाला है पानी में, देख सकते हैं। ओ यार ओ गाइस पानी में गया और डुबुक्की भी लगा लिया वो, चलो उसको ढूंढता हूँ है नहीं यहाँ। ओ गाइस मैं उसी पे तो खड़ा हूँ, वो नीचे उतर गया, देख सकते हैं गाइस उसी पे खड़ा हो गया हूँ, फिर से ऊपर चढ़ चुका हूँ। अब उधर भी है, चलो गाइस इसको सब छोड़ता हूँ आपको, चलो फटाफट से बताता हूँ शार्क मछली का चीट कोड, देखते हैं हमारी मछली आती है नहीं। चलो गाइस देखते हैं मछली आ रही है नहीं। वो गाइस तो मोस्टल आ रही है, मोस्टल कार आ रही है, क्यों मोस्टल नहीं मंगा रहा हूँ मैं, मंगा रहा हूँ शार्क मछली। हमें लगता है शार्क मछली नहीं आई क्या। ओ फिर से मोस्टल नंबर क्यों नहीं आ रही है गाइस। चलो गाइस कोई बात नहीं, इसका भी आपको चीट कोड तो बता रहे हैं, लंबरगिनी का भी मोस्टल लंबरगिनी का चीट कोड। यार कैसे भी लगता है अभी तो शार्क मछली का चीट कोड तो नहीं आया है। चलो गाइस हम कार को ले लेता हूँ। चलो गाइस कोई बात नहीं, आप अभी तक तो अगर नहीं आया है तो आपको मैं एक और इस वीडियो में बता सकता हूँ। गाइस हमें लगता है इसका चीट कोड तो नहीं आया है,
अब गाइस का चीकोड जल्द ही आने वाला है, शार्क मछली का चीकोड जल्द ही आने वाला है। चलो गाइस कोई बात नहीं, जैसे ही आ जाएगा शार्क मछली का चीकोड तो आपको हम पहले नंबर से जानकारियां दे देंगे। तो चलो गाइस फटाफट से आपको हम जानकारियां दे देंगे अगली वीडियो में, जैसे इसका चीकोड आ जाएगा आपको जानकारियां दे देंगे। चलो गाइस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।